देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए दिसंबर में पिछड़ी जातियों के जातिवार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार में किए गए कार्यों को भी बताएंगे। आपको बता दें कि मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए भाजपा जोर शोर से जुट गई है और इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो बीजेपी ने पिछड़ों को साधने की कवायद एक बार फिर से तेज कर दी है। जहां बीते दिनों नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में एक बड़ी और अहम बैठक प्रदेश कार्यालय पर आयोजित हुई, जहां दिसंबर में होने वाली पिछड़े महासम्मेलन को साधने के लिए एक रणनीति भी तैयार हुई है, वहीं अब बीजेपी जातिवार सम्मेलन करेगी और कहा जा रहा है कि ये जातीय जनगणना की काट के तौर पर साबित होगा। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, पिछड़ों को साधने की कवायद हर एक पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसी राह पर लगातार चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीते दिनों प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र कश्यप करते हैं। इस दौरान दिसंबर में होने वाले महाकुंभ की रणनीति बनाई जाती है, उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन ये जो महाकुंभ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो आयोजित किया जा रहा है, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है और इसके जरिए बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? रितेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ा आयोग से जो पिछड़ा जाति के जितने भी मतदाता है उनको किसी ना किसी तरीके से वो चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से पाले में आए। इसके लिए एक अध्यक्षता में बैठक हुई, नरेंद्र कश्यप इसकी अध्यक्षता किए। उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ किया जाए और उस महाकुंभ में जितनी भी पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि लगभग 2 लाख लोग वहां पर जिताए जाएंगे, यानी सभी लोकसभा क्षेत्रों से जहां पर पिछड़ी जातियों का वर्चस्व होगा वहां से उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और प्रयागराज के महाकुंभ में ले जाया जाएगा। लेकिन देखिए रितेश, महाकुंभ ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसको प्रयागराज में ही क्यों किया जा रहा है? मतलब कि सीधे तौर पर प्रयागराज से ही इस महाकुंभ की शुरुआत आखिर क्यों की जा रही है? क्या इसको 2025 के महाकुंभ से जोड़कर देखा जाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी आयोजन करती है तो एक इवेंट की तरीके से करती है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम होता है वो प्रतिदिन त्योहार की तरह होता है। अगर उनका छोटा से छोटा भी कार्यक्रम होता है तो उसको एक त्यौहार का रूप रेखा दे देते हैं। कितना बड़ा इवेंट हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो लगातार प्रतिदिन इवेंट चलता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो महासम्मेलन करने जा रही है, यानी महाकुंभ करने जा रही है, क्योंकि अभी 2025 में वहां पर एक महाकुंभ होना है प्रयागराज में और काफी बड़ी टेंट सिटी लगाई जाएगी, विश्व भर के कोने कोने से लोग आएंगे और उसी जगह पर स्थान चिन्हित किया गया है। ये प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और वहां पर ये जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन का सामुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार की जीत है उन नीतियों को किस तरीके से पिछड़ा आय वर्ग के लोग हैं तक पहुंचाया जाए ताकि उनका वोट बैंक को काट सके और जो जाति जनगणना काट निकाला। लेकिन देखिए रितेश, अभी तक भाजपा के द्वारा जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, भीड़ जुटाना एक चुनौती बनता नजर आया है, चाहे अगर हम विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें। ऐसे में जो प्रयागराज में इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है पिछड़ों को साधने के लिए, भीड़ जुटाना किसकी जिम्मेदारी है और इस भीड़ को जुटाने के लिए क्या एक बार फिर से बीजेपी के विधायकों सांसदों के सामने एक चुनौती होगी? बिल्कुल जरूर, अगर बात की जाए तो ये परीक्षा होगा, जितने भी पार्टी के नेता हैं उनके लिए परीक्षण का समय होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के जो संगठन के कार्यकर्ता है और जो बड़े पदाधिकारी है उस चीज की गणना भी कर सकते हैं कि अब की बात इस पिछली जाति के महासम्मेलन में महाकुंभ में इन नेताओं के द्वारा कितनी संख्या वहां पर इकट्ठा हो रही है, उसके आधार पर लोकसभा सीट की जो बंटवारे की बात है वो भी सामने इसमें संयोजित की जा सकती है। तो ऐसे में भीड़ जुटाना 2 लाख लोगों की पिछड़ा आय वर्ग की जो कार्ड छूट इन्होंने, अब कितने लोग इस रैली में इकट्ठा होते हैं तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी जो बात सामने निकल कर आई है वो एक कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के महाकुंभ ओबीसी महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं और वो दिसंबर माह में करने की बात की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को साधने की लगातार कवायद करती हुई नजर आती है। इसी बीच विधायकों और सांसदों की लोकप्रियता का भी अंदाजा इन सभी तमाम कार्यक्रमों और सम्मेलनों के जरिए बीजेपी कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी की पहल पर अयोध्या में 11 अक्टूबर को होने वाली दीपोत्सव से पहले राम नगरी में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक को काफी बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 9 नवम्बर को अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होगी। बैठक में यूपी अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। तो बैठक में मंत्रियों को पहुंचने के दिशा निर्देश जारी किए हैं और योगी सरकार की कैबिनेट बैठक इस बार अयोध्या में आयोजित होगी। 9 नवंबर को अयोध्या में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और दीपोत्सव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बड़ी कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। दीपोत्सव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उनके साथ तमाम दिग्गज नेता, दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही और भी नेता मौजूद रह सकते हैं जिनकी अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में सीएम कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी करेंगे और कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिस पर मुहर भी लगने की उम्मीद है। और कैबिनेट बैठक के जरिए 2024 से पहले जनता को भी एक साधने की इस कैबिनेट बैठक के जरिए कवायद भी की जाएगी। और देखिए 9 को इस बैठक का आयोजन होना है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में ये बैठक होगी जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जब ये बैठक होगी तो कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिस पर चर्चा होगी और कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो लिए जाएंगे जिसका सीधा असर जनता पर होगा और जनता को साधने के लिए ये कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण, अहम और बड़ी मानी जा रही है। तो देखिए अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में विश्व की सबसे बड़ी प्रोजेक्शन मैपिंग स्क्रीन से रामायण के प्रसंगों पर आधारित लाइट एंड शो दिखाए जाने की तैयारी प्रदेश की योगी सरकार कर रही है और इस बार का दीपोत्सव और भी भव्य और विशाल और बड़ा होने वाला है। दरअसल 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को ये मंदिर समर्पित हो जाएगा और लोगों की आस्था का एक बड़ा प्रतीक है भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां इस बार एक बड़े पैमाने पर दीपोत्सव का आयोजन तो होगा ही, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है और अब देखिए जो बड़ा पहलू एक और निकल के सामने आया है वो ये है कि देखिए 9 को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बड़ी कैबिनेट बैठक होनी है। फोन लाइन पर शक्ति सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए शक्ति, भगवान राम की नगरी अयोध्या जहां इस बार बड़ा और विशाल दीपोत्सव होना है क्योंकि 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और ये लोगों को समर्पित हो जाएगा। सबसे पहला सवाल ये कि दीपोत्सव को लेकर किस तरीके से तैयारी अयोध्या में देखने को मिल रही है? मैम, जो दीपोत्सव की तैयारी यहाँ पे अयोध्या में चल रही है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं उसको किस तरीके से हम अच्छा दिखाएं और किस तरीके से उसको पुख्ता करें। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि सीएम योगी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक अमूमन लखनऊ में होती थी अब वो भगवान राम की नगरी अयोध्या में 9 नवंबर को तमाम दिग्गज नेताओं के साथ होगी। इस बैठक में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है जिसका सीधा असर अयोध्या की जनता पर पड़ेगा? शक्ति मैम, इसमें कई ऐसे प्रस्ताव है जिनको पारित किया जाएगा और अयोध्या राम कथा पार्क में ये कैबिनेट की बैठक को संपन्न किया जाएगा और अयोध्या में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जा चुका है। देखिए शक्ति, बड़ा पर्व है दीपावली, हर साल एक नया कीर्तिमान कायम होता है अयोध्या की धरती से, भगवान राम के धरती से यहाँ हर बार एक नया रिकॉर्ड कायम होता है। इस बार भी उम्मीद है कि फिर से एक नया रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन उससे पहले तमाम नेता अयोध्या पहुंचेंगे, भगवान राम की नगरी पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं? जी, सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात की जाए यहाँ अयोध्या में तो सुरक्षा के इंतजाम है बहुत चौबंद किए गए हैं। हर चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है, हर एक द्वार पे
लाइफ डिटेक्टर ये लगा रहे हैं, जहाँ पे सबकी जांच होगी फिर वो अंदर में जाएंगे। और दीपोत्सव के कार्ड की हम बात करें, यहाँ पे जो दीपोत्सव का कार्ड बन रहा है उसके लिए काफी लोगों को यहाँ अवेयर किया गया है कि फर्जी कार्ड जो पिछली बार से बने हुए थे वो अब सारी न बने। ठीक है, धन्यवाद शक्ति इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर आगरा से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में 3 लुटेरे घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुबेरपुर क्षेत्र में SBI ग्राहक सेवा केंद्र में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर पुलिस इनकी तलाश भी कर रही थी। आज दिनांक 6/11/2023 को एतमादपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विगत माह में कुबेरपुर में SBI ग्राहक सेवा केंद्र में लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्तगण ग्राम रामी गढ़ी जाने वाले रास्ते पर किसी बड़ी घटना को कारित करने के फिराक में है। इस क्रम में यातायात माह और त्योहारों के दृष्टिगत जो चेकिंग की टीमें लगाई गई थी उनको तत्काल वहाँ मूव किया गया, तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर जान लेने के नियत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन पर फायर किया आत्मरक्षा। इस कार्रवाई में 3 अभियुक्तगण घायल हो गए और 2 वहां से फरार हो गए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान लोगों ने हमारे सहयोगी से क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, टाइम टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम है प्रभु श्याम की नगरी, आस्था की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में दीपोत्सव स्तर पे है, उसकी तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही। हमारे पीछे मंडप खड़ा हो रहा है, एक यहाँ के मैनेजर जो है हमारे साथ में है, आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो दीपोत्सव की तैयारियां है वो किस स्तर पे की जा रही हैं, क्या क्या तैयारियां अभी हो चुकी हैं यहाँ पे। सर, यहाँ पे राम दरबार का सेटअप किया जा रहा है पूरा स्टार्क मल्टीमीडिया के थ्रू, और उस उधर आप देख रहे होंगे वहाँ पर पुष्पक विमान का सेटअप हो रहा है, और बाकी अपना उधर भी काम हो रहा है, रामलीला जो मैदान है वहाँ पे जो सारे गेट हैं वो गेट क्रिएटिव वर्क वहाँ पे सेटअप किया। इस बारी अयोध्या में दीपोत्सव में क्या नया कर रहे हैं सभी लोग? अब अपने तरफ से जितना अच्छा ट्राई कर रहे हैं कि हाँ जितने अलग से अलग चीज़ें दिखा सके, जो पिछली बार हुआ था उससे कुछ और अलग, क्योंकि फिर पहले हम लोग केवल अभी कुछ कटिंग वोटिंग के साथ कुछ अलग डिजाइन यहाँ पे दिया जा रहा है, पहले केवल बोर्ड और फ्लैश के थ्रू नॉर्मल हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कुछ थोड़ा 3D में और कटिंग और ज्यादा से ज्यादा डिजाइनिंग में हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि अयोध्या में जो दीपोत्सव है उसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है, तो यहाँ पे कुछ दर्शक भी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? देखने आए हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी आए? जब आए मंदिर का निर्माण ने बहुत गंदगी रहती थी, उससे पहले भी आते थे? हाँ, हम यहीं पे। कैसा था और इस टाइम पे क्या है? इस समय बहुत नंबर एक है। अच्छा, हाँ? तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारे बाबा जी तो है ही है। हाँ। बस जैसा कि यहाँ पे जो जनता है उसका भी कहना है कि जो तैयारियां इस बारी अलग हैं और कुछ नया होने वाला है दीपोत्सव में। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी अयोध्या। तो देखिए, दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, ऐसे में हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत भी की। जो लोग इस दीपोत्सव की तैयारी से जुड़े हैं और जो लोग इस दीपोत्सव की तैयारियों को देखने पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उनके लिए गर्व का विषय है। वो अपने इतिहास को और अपने बूढ़े बुजुर्गों के सपनों को सच होते देख रहे हैं, तो ये उनके लिए खुशी का पल है। ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता अयोध्या में दीपावली के मौके पर पहुंचते हैं और हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित भी अयोध्या से होता है। ऐसे में इस बार भी उम्मीद है कि एक नया कीर्तिमान भगवान राम की धरती अयोध्या पर स्थापित होगा।
तो लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर से देर रात से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और डायल 112 का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां डायल 112 के बाहर महिला कर्मचारियों का हंगामा रात भर देखने को मिला। कम्युनिकेशन ऑफिसर के पद पर तैनात महिला कर्मचारी जो रात भर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, कम वेतन और ज्वाइनिंग लेटर नहीं देने का आरोप लगाया गया। कम वेतन और ज्वाइनिंग लेटर नहीं देने का आरोप लगाते हुए डायल 112 की महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते काम भी प्रभावित हो रहा है। मुख्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर लगातार महिलाएं धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई और देर रात से ही महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। देर रात तक सभी महिलाएं धरने पर बैठी रहीं और आज एक बार फिर से नए दिन की शुरुआत होते ही महिलाएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सीएम आवास की ओर कूच करने की भी अब प्रदर्शनकारी महिलाएं तैयारी कर रही हैं और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो डायल 112 के बाहर महिला कर्मचारियों का हंगामा देर रात से देखने को मिल रहा है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, डायल 112 की महिला कर्मचारियों का धरना लगातार देर रात से ही देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है कलीम? जिस तरीके से बात की जाए, डायल 112 जो आउटसोर्स की जो महिलाएं हैं वो लगातार अपनी इन मांगों को लेकर कल दोपहर से ही प्रोटेस्ट कर रही थी। यानी कि जो मांगों की बात की जाए, जिस तरह से देर रात भी उनका प्रदर्शन चला, अगर हम लाइव तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो यहां की आप जो लाइव तस्वीरें देख रही हैं ये वही महिला डायल 112 की आउटसोर्स महिलाएं हैं जो लगातार जो सूचनाएं लेती हैं और सूचनाओं को आगे पास करती हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से कंपनी का जो ट्रांसफर हुआ, कंपनी दूसरी कंपनी ने उसको जो जब से लिया है, तो इन लोगों की जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ रही, क्योंकि जो मांगों की अगर बात की जाए, अगर हम इन लोगों से अगर बातचीत भी करने कोशिश करेंगे, अगर मुस्कान जी, तो आप खुद इन लोगों की जुबान से इन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी सुन पाएंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर के यहां पर पूरी तरीके से बैठी हुई हैं। ये बताइए, आप लोग यहां पर जो प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं, क्या कुछ पूरी मांगों को लेकर के आप लोगों ने आवाज उठाई है? जी सर, हम लोग सैलरी को लेकर के बात हुई, हम लोग को ऑफर लेटर नहीं दिया गया था, कंपनी चेंज हुई थी सर, इसलिए हम लोग अपना राइट मांग रहे थे कि हम लोग को दिवाली के पहले ऑफर लेटर दे दिया जाए और हम लोगों की सैलरी जो है वो 18,000 कर दी जाए, क्योंकि हम लोग सर अभी तक 10,000 में काम कर रहे हैं सर, 7 सालों से हम लोगों ने सर 7 सालों में हमेशा पुलिस को कोऑपरेट किया है सर, हर समय खड़े रहे हैं, अपना त्यौहार छोड़कर खड़े रहे हैं और सर हम लोगों को एक छुट्टी नहीं मिलती, हम लोगों को सर रात हम लोग सुबह से आप क्या कह रहे हैं वीक में एक छुट्टी भी नहीं दे रहे हम लोगों को, पूरे 30 के 30 दिन ऑफिस बुला रहे हैं। मुस्कान जी, जैसा कि आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो इन लोगों की मांगे हैं, यानी कि अगर बात की जाए कल दोपहर से ही लगातार ये लोग पूरी तरीके से अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरी हुई हैं। उस दौरान अगर बात की जाए जो एडीजी हैं उन्होंने भी इन लोगों से जो वार्ता की थी, वार्ता के बाद भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला था। लेकिन अगर सुबह की अगर बात की जाए, जब इन लोगों के द्वारा सीएम आवास की तरफ कूच किया गया था, तो उस दौरान जिस तरह से रोका गया सभी को इको गार्डन भी भेजा गया। इको गार्डन भेजने के दौरान जिस तरीके से जो इन लोगों के जो आरोप हैं, उन आरोपों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इन लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की गई, मारपीट की गई, तो वो सभी आरोपों को लेकर के भी ये लोग साफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे भी बात, हाँ ये बताइए, जब इको गार्डन भेजा जा रहा था तो आप लोगों के जो आरोप हैं, क्या कुछ वार्ता हुई थी, किस? हमें जबरन घसीटा गया, धक्का दिया गया, बाइक के नीचे हम दब गए, किसी के हाथ पे चोट आई है, आप देख पड़ी हुई है, एक लड़की बेहोश होकर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, कुछ नहीं पता किस हॉस्पिटल ले गए, यहाँ देखिए उसको बेहोश हुई तो पानी भी नहीं पिलाने दिया है, और आधी लड़कियों के फोन पर रोक लिया गया है, चौकी पर रोक लिया। जो मांगे आप लोगों की थी, उन मांगों को लेकर के किसी तरह की बातचीत हो पाई है? क्योंकि कल जिस तरह से एडीजी ने साफ कहा था कि आप लोगों को ऑफर लेटर के साथ साथ जो सैलरी का इशू था वो निपटाया जाएगा, उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने आप लोगों को कर दिया था, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों ने, हम लोग पूरी रात रोड पे बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया, और हम लोग सीएम आवास जा रहे थे तो मारपीट करके हम लोगों को बंद करके यहाँ लाके दे सर, हम लोगों को रात में टॉयलेट नहीं जाने दिया गया, हम लोग टॉयलेट के लिए परेशान थे, हम लोग दुपट्टा लगा के टॉयलेट किए हैं सर, हम लोग को ना टॉयलेट जाने दिया गया, ना सुबह लड़कियों को फ्रेश होने दिया गया सर, ना एक बूंद पानी दिया गया सर, हम लोग को उसमें भी टॉर्च दिखाया जा रहा था जब हम लोग वॉशरूम गए थे। तो मुस्कान जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीरें देख रही हैं, ये वही महिलाओं की जो भीड़ है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के कल दोपहर 12 बजे से लगातार सड़कों पर नजर आ रही हैं। फिलहाल इस मामले की अगर बातचीत की जाए, कल जिस तरह से कवरेज करने के लिए टीम भी पहुंची थी, तो जाहिर सी बात है उनको भी रोका टोका गया था, रोकने टोकने के बाद फिर ये लोग सड़कों की तरफ, जो बात की जाए मुख्यालय के जो गेट है उधर की ओर पहुंची थी, उस दौरान भी पुलिस ने काफी रोकने का प्रयास किया था, तब जो पुलिस अधिकारी पहुंचे थे, अधिकारियों ने जो वार्ता की थी उस दौरान
आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन वो जो आश्वासन की बात की जाए तो उस आश्वासन से भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला था। उसके बाद लगातार ये सभी जो महिला कर्मचारी हैं ये सभी देर रात तक सड़कों पर बैठी रहीं। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए सुबह जैसे ही हुई और सुबह के बाद इन लोगों का जो कूच था वो सीएम आवास की तरफ था, लेकिन सीएम आवास की तरफ बढ़ने का जो मामले की अगर बात की जाए लगातार ये लोग सीएम से मिलने की गुहार लगा रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस अधिकारियों की तो लगातार पुलिस ने जो सुरक्षा के घेरा का बनाते हुए बात की जाए तो इन लोगों को सीधा इको गार्डन भेजा है। फिलहाल इको गार्डन पे की ही ये तस्वीरें हैं और इको गार्डन पर यहाँ पर अगर बात की जाए जो सपा नेता की बात की जाए वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये है क्योंकि वो भी लगातार इन लोगों से बात भी करी। तस्वीर आपके सामने है कि जो सपा नेता जो पूजा शुक्ला है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी अगर हम बात करेंगे। ये बताइए पूजा जी, आप यहाँ पहुंची हुई है, आउटसोर्स महिलाओं से बातचीत आपने की है, अभी तक क्या कुछ निकल कर आपकी बातचीत में? देखिए मेरा ये मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, ये अपनी बात रखना चाह रही थी, ये मांग रख रही थी, ये सरकार से बात करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों के साथ जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही सोचने का विषय है कि एक तो वॉशरूम बंद कर दिया, उसके बाद जो लड़कियाँ वॉशरूम जा रही हैं वहाँ पर टॉर्च मार रहे हैं, ये पुलिस कर रही है। तो ये सोचने का विषय नहीं है कि जिस पुलिस को हम रक्षक समझते हैं अगर वही भक्षक बनने का काम करेगी, वही इस तरह की अभद्रता करेगी तो क्या होगा? आज बेटियों का गलत बग गया, कई प्रेग्नेंट महिलाएं उनके साथ बदतमीजी की गई, तो निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद घटना है। बताएं पूजा जी, जिस तरीके से अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर के तंज कसा है, एक्स पर भी उन्होंने कई बातें लिखी हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के आप इन लोगों तक पहुंची हैं, तो अभी तक इन लोगों से बातचीत के बाद क्या कुछ समाधान को लेकर के आप अगला कदम जो आपका स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह की अभद्रता की गई है, जिस तरह से इन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, इनको अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला है, इनको पता नहीं है, इनकी कोई नौकरी की गारंटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये धोखा है पूरे इन बेटियों के साथ। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियों के रोजगार की बात सरकार करती है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, ना इनको नौकरी सही से दी जा रही है, ना इनको सैलरी सही से दी जा रही है, और जो बेटियां आज तक वहां पर काम करती थी, पुलिस की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाती थी, इन्हीं बेटियों को रात को मारा गया, पीटा गया, और किस तरह से इनको यहां भर के लाए हैं, और अभी भी इनकी दो साथी उनको थाने में बैठा करके ये प्रेशर किया जा रहा है कि अगर ये आंदोलन नहीं खत्म हुआ तो हम इन सबों को मतलब उन दोनों को जेल भेज देंगे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, हम लोग इनके समर्थन में इनके साथ में। आप भी एक महिला हैं, महिला नेता भी हैं, ये सभी महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ आप जो सहयोग की बात कर रही हैं, आप यहां तक पहुंची हुई हैं, जो इन लोगों की मांगे हैं अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप इन लोगों का सहयोग करते हुए क्या कुछ आप लोगों का कदम रहेगा जिससे कि ये जो न्याय के लिए दौड़ रही हैं, भटक रही हैं, पुलिस के साथ हस्तक्षेप भी हो रहा है, तो इन सभी मामलों को लेकर के आगे क्या कुछ आप इन लोगों की आवाज बनेंगी या आवाज किस तरह से उठाएंगी? देखिए ये बेटियां जो भी चाहेंगी, जैसी इनकी आगे की रणनीति होगी हम इनके साथ हैं, मुद्दा इनका जायज है, बात इनकी जायज है, अभद्रता इनके साथ हो रही है, अन्याय इनके साथ हो रहा है, और हम लोग जैसा ये निर्णय लेंगी हर निर्णय में इनके साथ खड़े हुए हैं, ये आंदोलन को चलाना चाहेंगी, हम आंदोलन में इनके साथ बराबरी से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो सुबह इनके साथ हुआ कि ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, और मुख्यमंत्री सबके हैं और उनको ये समझना होगा कि ये बेटियां आप ही की बेटियां हैं, ये आपसे मिलकर के अपनी बात रखना चाह रही थी, तो ऐसी क्या बात थी कि इनको पिटवा करके इको गार्डन भेजना पड़ा? इनमें से कितनी ऐसी बेटियां होंगी जिन्होंने कल से कुछ खाया नहीं है, परेशान है, ये बीमार होंगी, कोई बात होगी, कोई घटना होगी, कौन जिम्मेदार है इनका? यहाँ पर जो महिलाएं हैं मुस्कान जी, आप साफ तौर से देख रही हैं आगे जो चीजें हैं साफ तौर से, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर बातचीत की जाए आप खुद तस्वीरों में देख रही होंगी, बात तो रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बहुत अहम हो जाती है कि एडीजी से जो बीते दिनों बात हुई वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही है, अगर ऐसे में आगे इनकी मांगों को माना नहीं जाता है तो इनका अगला स्टेप क्या होगा ये भी जानिए। देखिए जाहिर सी बात है मुस्कान जी, जिस तरीके से क्योंकि अगर बातचीत करने के लिए जिस तरह से ये खड़ी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर पहले तो हम इनकी बात सुन लेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं। हम लोग जो 112 में कॉल्स लेते हैं, अगर कॉलर्स भी हमें पुलिस के अगेंस्ट में कुछ बोलते तो हम लोग पुलिस के साइड लेते हैं कि हमारी पुलिस ऐसा नहीं करी, बट कल रात से जो कल 12 बजे से जो हम लोग के साथ पुलिस बिहेव कर रही है, पुलिस को हम लोग कुछ भी किसी की भी तरह से कोई भी गलत चीजें नहीं बोल रहे, ना ही किसी तरह से कोई रिएक्शन दे रहे, बट पुलिस का कहना है अगर तुम लोग ये धरना प्रदर्शन नहीं कम करते या किसी भी तरह से तुम लोग हम लोग की बातों पर रजामंदी नहीं देते हो तो तुम लोग अगर ये रहते हो तो तुम लोग का फायर करके तुम लोग का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे और नौकरी से निकाल दोगे, तुम लोग घटिया किस्म के लोगों, अनपढ़ देहाती गवार और अभद्र भाषा से बहुत गंदी तरीके से बिहेव किया गया है। हम लोग 112 में जो आपका इतना रिस्पेक्ट, हम लोग समझते हैं कि हम लोग इतना रिस्पेक्टफुली हैं कि रिस्पेक्ट से इस बात की जा सके,
किसी भी इंसान ने किसी भी तरह से कोई आदर से कोई बात ही नहीं की है हम लोगों से। अच्छा ये बताइए, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत लगातार, अधिकारियों का जो कहना है कि वो लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो बातचीत है वो नहीं हो पा रही है। हम लोगों से बातचीत नहीं की गई है, सिर्फ वो बात हम लोग सुनते हैं, अंदर जाते हैं, अपना डिसीजन लिख के लेके आते हैं, बोलते हैं, अपनी डिसीजन सुना देते हैं, देन वो कहते हैं आप लोग जियो या मरो, अगर इस पे अगर आप लोग एग्री करते हो तो आप लोग ऑफिस के अंदर आइए, कॉल्स कंटिन्यू करिए, अगर आपको नहीं एग्री है तो आप जाइए बाहर में जाओ, मर जाओ, जियो मरो, हमें नहीं मतलब है। तुम लोग प्राइवेट लोग हो, तुम लोग अपनी किस्मत पे रहो, हम सरकारी हैं, हमें जो करना है हम कर लेंगे। ये कितने समय से आप नौकरी कर रही हैं? हमें इस समय 3 साल से हो गया, लेकिन बहुत सारी लड़कियां 7 साल से काम जॉब कर रही है यहाँ पे, मुझे अभी 3 साल कंटिन्यू हुआ है, यहाँ बहुत सी लड़कियां ऐसी जो 7 साल से कंटिन्यू जॉब कर रही है, बट किसी की सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है। देखिए आप सभी लोगों से एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों की जो आवाज उठ रही है, इसीलिए तैनात किया गया है ताकि अगर कोई महिला अनकंफर्टेबल हो पुरुष कर्मचारियों से बात करने में तो वो इनसे आराम से बात कर सके। ऐसे में जब बीती देर रात से इनके साथ लगातार पुलिस की बदसलूकी अभद्रता देखने को मिल रही है, तो क्या कोई महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थी क्या? क्यों आखिर जो पुरुष पुलिसकर्मी है उनको मोर्चा संभालना पड़ा? देखिए मुस्कान जी, इस मामले को लेकर के साफ तौर से, क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने आई हैं, तस्वीरों में साफ तौर से देखा गया है, फिर चाहे वहां पर पुरुष पुलिसकर्मी हो या फिर महिला पुलिसकर्मी हो, दोनों ही लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो अगर आरोपों की बात की जाए तो आरोप इन लोगों का साफ है कि वहां पर जो इन लोगों का जो पूरा मोर्चा था वो जिस तरीके से इन लोगों ने खोला था, तो उस मोर्चे के दौरान इन लोगों के साथ जो मारपीट की गई थी, तो उसमें केवल महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर ही आरोप नहीं है, साफ साफ जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उन पर भी साफ आरोप लगाया गया है कि उन लोगों के द्वारा इन लोगों से मारपीट की गई थी। मारपीट करने के दौरान इन लोगों को धक्के मुक्की के साथ पूरी तरीके से बैठाया गया था, क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगातार सभी का वही आरोप है, क्योंकि लगातार लोग हाथ भी उठा रहे हैं, बातचीत अपनी कहना चाह रहे हैं, और इन्हीं सब मामलों को लेकर के, क्योंकि आप खुद इस मामले में सुनेंगे प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिसकर्मी लगे हुए थे उन सभी चीजों को लेकर के, हाँ वहां पे जो जिस तरीके से, देखिए एक चीज और जो एक्सपर्ट लगातार सामने देखने को मिल रही है वो ये है कि एक तो इन महिला कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है समय से, और एक नया विज्ञापन जारी किया गया है वो भी हायरिंग को लेकर, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये जानिए। देखिए जिस तरीके से जो सैलरी को लेकर के आप लोगों की बातचीत रखी जा रही है और जो वेतन है आप लोगों का, इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ रणनीति है आप लोग? पहली चीज, अगर हम लोग की सैलरी 10,000 से 11,000 है, ये लोग गलत बोल रहे हैं कि हम लोग की सैलरी इतनी है, नहीं है, किसी भी साल पे हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, गलत सूचना दी जा रही है कि 1300 रुपये हर पर ईयर हम लोग की कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रही है, झूठा बोल। दूसरी चीज़, हम लोग संविदा पे नहीं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर से जॉब कर रहे हैं। तीसरी चीज़, हम लोग साथ अंदर मिसबिहेव बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक डिपार्टमेंट की चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि बाहर से जो चीज़ें दिख रही हैं वो अंदर चीज़ें नहीं हैं। जिस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट की भी चीज़ें, जैसे डिपार्टमेंट के लोग भी छुट्टी पे आते हैं, सारी चीज़ें उनका वर्क हम लोग संभालते हैं, लेकिन उस हिसाब से किसी भी तरह से कोई भी हम लोग को रिस्पेक्टफुली कोई चीज़ मिल नहीं रही है, सीधी सी बात ये है। और हम लोग यही डिमांड है कि हम लोग की सैलरी बढ़ा दी जाए और हम लोग की जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं। जब से पहले महिंद्रा कंपनी से आप लोगों का अटैचमेंट था, उन लोगों के द्वारा ऑफर लेटर आप लोगों को दिया गया था, सैलरी का इशू था, लेकिन अब जब से दूसरी कंपनी आई, विभिन्न करके जो आई है उसको लेकर के जब से आई, क्या आप लोगों से कोई उन लोगों की वार्ता हुई, क्या जो नौकरी से आप लोगों को निकालने की जो बातें हो रही हैं उसमें किसी तरह की बात हुई, क्या ऑफर लेटर आप लोगों को मिला जो आप लोगों की मांग है? हम लोगों को टेकम ने भी हम लोगों ने बोला था 2 बार सैलरी बढ़ाने के लिए, बट हमारी बात नहीं हुई है। विभिन्न वालों का कहना है कि हम आपको ऑफर लेटर देंगे, लेकिन कब देंगे इसका कोई पता नहीं है। कह रहे हैं कि आप दिवाली करिए हम देंगे आपको, लेकिन कब तक देंगे कोई कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। सैलरी की डेट क्लियर नहीं कर रहे कि आपको सैलरी कितनी देंगे, कब देंगे, कौन सी डेट में देंगे और कितनी सैलरी देंगे, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। उनका कहना है आप लोग करिए, आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। वर्बली तो सब लोग बोलते हैं कि आपको हम इतना देंगे, लेकिन देंगे कितना हमें इतना जानना है ना कि हमारी सैलरी की डेट क्या होगी, ये सारे इश्यूज है सर। तो जिस तरीके से यहाँ पे मुस्कान जी आप खुद तस्वीरों में देख रही हैं, सुन रही हैं, जो इन लोगों की मांगे हैं वो खुद साफ तौर से इन लोगों की खुद की जुबानी देख रही हैं, क्योंकि अगर बात की जाए आगे इन लोगों का जो स्टेप है, तो स्टेप क्या इन लोगों का रहेगा, क्योंकि अगर राजनीतिक मोड़ की बात की जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर के लगातार जो विपक्ष है, विपक्ष भी हमलावर तो हो ही रहा है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से जो आवाज उठाई जाती है उन आवाजों को लेकर सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी लगातार जो सोशल मीडिया है उस पर अपना तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वो जो सपा की बात की जाए, क्योंकि सपा के नेता भी जो महिला नेता है वो खुद इन लोगों के बीच पहुंची थी, इन लोगों से बातचीत हुई
थी, लेकिन जो अगर कदम की बात की जाए, क्योंकि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं कि महिलाओं के साथ लगातार खड़ी हुई हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो इन लोगों के स्टेप की, तो आखिर जो इन लोगों की मांग है उन मांगों का अगर किसी तरीके से निस्तारण नहीं होता है तो आखिर ये लोग इसके बाद आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे, इस मामले को लेकर के भी साफ इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर आगे का जो इन लोगों का स्टेप होगा वो स्टेप क्या रहेगा, ये बताइए। धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर बुलंदशहर से है, जहां बिल्डर के उत्पीड़न से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि हापुड़ के किसान ने बुलंदशहर के बिल्डर सुधीर गोयल से तंग आकर जहर खा लिया। मरने से पहले किसान ने बिल्डर सुधीर गोयल पर कई आरोप लगाए। वहीं उसने कहा कि बिल्डर सुधीर गोयल भारतीय जनता पार्टी का एक माफिया है। इसके अलावा लाखों लोगों की जमीन हड़पने का भी आरोप किसान ने लगाया है। सुधीर गोयल ने हमारा जमीन का पैसा नहीं दिया और खारा जमीन का अब यहाँ कब्जा भी ले लिया। ये बीजेपी का माफिया है, इसने लाखों करोड़ों परिवार ऐसे सटक लिए। योगी राज में योगी जी कुछ दमो तो इसका इस माफिया को करोड़ों अरबों का खरबों का सफा इस जमीन को घोटाला करा हुआ है। इसे उठाओ, इसे उठाओ, हमारे जमीन का पैसा दिलाओ। मैंने जमीन हमारे जमीन का पैसा दिलाओ, उससे तो जहर खा लिया कब्जे में हूँ। मेरी खुद तबीयत खराब है, मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मेरे परिवार को परेशान ना करा जा, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ जा रहा हूँ। गोंडा से है, जहां प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला करनैलगंज के भगवान हॉस्पिटल का है, जहां मरीज को ऑपरेशन हुआ था और जब उसके टाके पक गए तो डॉक्टर्स ने उसे टीबी की दवाई दे दी। वहीं परिजनों ने अस्पताल के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बेनामी और अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रयागराज पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में माफिया थी कीमत की लगभग 20 बीघा जमीन कुर्क की है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश के क्रम में ये जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई है। ये धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है। ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी, जो हुबलाल नाम के व्यक्ति के नाम थी। यह करीब 23,447 वर्ग गज ज़मीन है, जो करीब 5.5 हेक्टेयर है और जिसकी अनुमानित कीमत 12.5 करोड़ रुपये है। ये 16 घाटों में बटी हुई है और ये सबसे बड़ा घाटा है। आज यहाँ पे जब्तीकरण की, इन सभी 16 घाटों में जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा दोनों आरोपियों के खिलाफ कई जिलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां डीएम अपूर्वा दुबे ने जिले वासियों को एक के बाद एक लगातार बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में खस्ताहाल पड़े पटेल पार्क पर जब उन्नाव डीएम की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल सुंदरीकरण कराने का निर्देश दिया। आज पूरी तरह बनकर तैयार होने पर उसे सदर विधायक पंकज गुप्ता और उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे ने फीता काट कर जनता को सौंप दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।